हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आपके साथ ब्यूटीफुल सा बन शेयर करने वाली हूँ, वो भी सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से। अगर आपके बाल भी इस तरीके से छोटे हैं एंड आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें हेयर पे, तो आप एक तो आप खुला रख सकते हो जैसे कि इस तरीके से करके आप क्लचर लगा लो, बैक में लेके काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और फ्रंट से आपको जो भी स्टाइल करना है वो कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो अपलोड कर रखी हैं जो कि फ्रंट से हेयर स्टाइल है। एंड चलिए, अगर आपको बन बनाना है, साड़ी बांध रखी है, तो उसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी है और आज भी कुछ नया लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड मैंने किया था ब्लीच, तो ब्लीच को कैसे अप्लाई करना चाहिए, कितना क्वांटिटी में, कितना किस पे अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, कितना टाइम रखना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइम। फ्रंट से आपको जैसा हेयर स्टाइल रखना है आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे बीच मार्क से बना रही हूँ हेयर स्टाइल। कॉम कर लेते हैं एंड एक पोनी बना ली है। इसके बाद आपको एक रबर बैंड लेना है इस तरीके से। रबर बैंड को टाइटली लगा लेंगे, थोड़ा सा लूज करना है हेयर एंड यहाँ पे इस तरीके से फिंगर को इंसर्ट करना है एंड पोनी को इस तरीके से अंदर की तरफ से पीस लेना है वाइट को। ये सारे हेयर को इस तरीके से निकालना है। अब आपको यहाँ पे छोटी गुंथनी है इसमें, बालों को छह पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड सिंपल चोटी जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही आपके यहाँ पर बनाना है। एंड तक पूरा घूमना है और इसको सिंपली रबर बैंड के ऊपर से लेके आना है और इस तरीके से रख के यूपी यहाँ पे बॉबी क्लिप की मदद से इसका प्योर कर लेना। ये है मेरा बैक का लुक एंड यहाँ पे आपको रबर भी पूरी अच्छे तरीके से हाइड हो गई है एंड लग भी नहीं रहेगी बहुत ज़्यादा छोटे वालों में ये बन बना हुआ है। फ्रंट से आपका इस तरीके का मैंने लुक रखा है। बाकी आपको बहुत सारा कोई भी हेयर स्टाइल रखनी है तो आप रख सकते हो, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है तो आप जाके चेकआउट कर दीजिएगा। क्राउन एरिया से हेयर को जरूर खींचिएगा, उससे आपका जो फ्लैट लुक होता है वो थोड़ा सा वॉल्यूम दिखता है वालों में। और यहाँ पे आप मिरर में देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपने क्लिप कट किए हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके साथ बालियाँ, झुमके जो भी आपको पहनना है वो आप पहन सकते हो। तो आज के लिए था ये हेयर स्टाइल, आई होप कि पसंद आया है। अगर आपको साइड से हेयर निकालना पसंद नहीं है तो आप क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर लीजिएगा, साड़ी पे वैसे सिक्योर कर लीजिएगा तो भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। कंपनी का मैं यहाँ पे ब्लीच अप्लाई कर रही हूँ। किस पे कितना कितनी क्वांटिटी में आपको एक्टिवेटर मिलाना है तो आपको अच्छा इफेक्ट देगा ये। कई लोग मतलब ब्लीच खरीद के घर पे अप्लाई कर लेते हैं एंड उसके बाद से बहुत ज़्यादा ब्राउन हेयर होने के बाद उनका स्किन काला हो जाता है। तो आप क्या मिस्टेक करते हो कि आपकी स्किन पे ये गलत इफेक्ट डालता है, आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। आपको जो ये क्रीम है अपने फेस पे जितना अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। इतना मान लीजिए हमको अपने फेस पे अप्लाई करना है। अब सारा जो इसमें जो भी
दिक्कतें आती हैं वो सिर्फ एक्टिवेटर की वजह से आती है। एक्टिवेटर बहुत हार्ड केमिकल होता है जिसको आप कम और ज़्यादा अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन को हार्म पहुंचाता है, नुकसान करता है। तो ये है एक्टिवेटर, हर ब्लीच में दिया होता है। इसको सही तरीके से अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन पे ग्लो देगा, और अगर आप इसको गलत तरीके से अप्लाई करते हो तो ये आपकी स्किन को काला और जला भी सकता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से हमने इसको ओपन कर लिया है। तो हम लोग क्या करते हैं अक्सर, मतलब जो बिगिनर्स होते हैं जिन्होंने घर पर ब्लीच अप्लाई करना होता है, इतना सारा एक्टिवेटर लेके मिला देते हैं। ये एक्टिवेटर बहुत ज़्यादा हो गया, आप इसको अपने बालों को ब्राउन करने के लिए इतना लेना है। एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सांवली है तो आपको इतना एक्टिवेटर लेना है। मीडियम स्किन टोन के लिए हल्का सा और ज़्यादा, एंड फेयर स्किन टोन के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि डार्क स्किन को तो ज़्यादा गोरा होने की ज़रूरत है, लेकिन डार्क स्किन पे अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर अप्लाई करते हो तो डार्क स्किन का जो हेयर है वो ब्राउन हो जाएगा और आपकी स्किन टोन से काफ़ी ज़्यादा लाइटर दिखेगा, एंड वो बहुत भद्दा लगता है। इसलिए हम लोग डार्क स्किन पे कम एक्टिवेटर यूज करेंगे ताकि वो आपकी स्किन से मैच हो और हल्का सा ग्लो दे के जाए आपकी स्किन पे। इसीलिए डार्क स्किन पे आपको कम एक्टिवेटर यूज करना है, और मीडियम टोन वालों को उससे थोड़ा सा ज़्यादा, एंड फेयर वालों पे अगर थोड़ा ज़्यादा हो भी जाता है तो वो अपनी स्किन पे मैनेज कर लेता है अपने फेशियल हेयर्स को। इसलिए ये मैं अपने फेस के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इतना सारा एक्टिवेटर इसमें डाल दिया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिवेटर किस तरीके से अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन को फ़ायदा होगा, और किस तरीके से अप्लाई करते हैं तो नुकसान होगा। तो ये हमने अप्लाई कर लगा लिया है, इसको मैं पैक हटा दे रही हूँ। इसको आप दो तीन आदमियों पे यूज कर सकते हो। अब इतना सा एक्टिवेटर लिया है मैंने, इसको मैंने सिर्फ अपने फेस के लिए अप्लाई किया है। अगर आपको गर्दन वर्दन वाले एरिया पे या फिर और कहीं लगाना है तो अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा कम या ज़्यादा। तो आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ब्लीच अप्लाई करने के। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अपने फेस को अच्छे से क्लिंजिंग मिल्क से मसाज करके साफ़ करोगे। उसके बाद इसको अप्लाई करना है डार्क स्किन वालों को 10 मिनट और मीडियम स्किन वालों को 15 मिनट, एंड फेयर स्किन वालों को 20 मिनट तक आपको फेस पे रखना है एंड वॉश कर देना है। तो चलिए मैं इसको अप्लाई करके अपने फेस पे फिर दिखाती हूँ। फिर अच्छे से क्लिंजिंग मिल्क अप्लाई करवा लिया है। देन जब भी आपके आईज के आसपास बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है या फिर प्रॉब्लम्स है तो आपको पहले कोई मसाज क्रीम या मॉइस्चराइजर अपने आईज के आसपास अप्लाई कर लेना है, लगाइएगा। इस तरीके से एक लेयर सी बना लेनी है आईज के आसपास ताकि आपके आईज पे हार्म ना करें। फेस बनाया था, अभी मैंने बताया था, उसको अप्लाई करना है फेस पे। इसके बाद इस तरीके से पैक को अच्छे से फेस पे अप्लाई करना है एंड 20 मिनट तक रखूँगी, क्योंकि फेयर कलर के लिए आपको 20 मिनट रखना है, मीडियम कलर के लिए 15 मिनट, एंड बहुत ज़्यादा डार्क स्किन है तो 10 मिनट रखना है। कितना एक्टिवेटर यूज करना है, कैसे करना है, सब कुछ बता दिया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से समझा पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। न्यू चैनल पर जरूर जाएगा सुप्रीत तिवारी 2 डिजाइनर ड्रेसेस की वीडियोज देखने के लिए, और एक और न्यू चैनल बना है जिस पर मैं शॉर्ट्स वीडियोज अपलोड करती हूँ, तो वहाँ पर भी जरूर जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय।